उत्तरी भारत च शीत लहर का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो जेकर गल की जाए गुरु नगरी अमृतसर की, तो अमृतसर इस वेले कड़ाके की ठंड की चपेट च है। अज लगातार दूजे दिन भी गुरु नगरी के आस पास के इलाकों संघनी धुंद छाई हुई है। तो लोगों सूरज देवता के दर्शन नसीब नहीं हुए। संघनी धुंद की चिट्टी चादर कारण सड़कों पर विजिबिलिटी ना मात्र रही, तो सड़की आवाजाई की रफ्तार मठी मनी जा रही है। इस नाल ही रेल आवाजाई की रफ्तार भी सुस्त हुई है, तो अनेक गड्डियां तय समय तो पछड़ के चल रही हैं। लोग अपने वहीकलों दी लाइटां जगा के चलने लिए मजबूर हो रहे हैं। उधर कड़ाके की ठंड कारण आम जनजीवन प्रभावित होया है, तो लोग घरों बाहर निकलने तो परहेज करते नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे स्कूल जाते, लोग दफ्तर जाने तो लेट हो रहे हैं, तो कुछ लोग इस ठंड का चाह दी चुस्कियों के नाल आनंद भी माणते नजर आए, तो अग बाल के ठंड तो बचण दे जतन कर रहे हैं। कि कुछ कहना है इन्होंने लोगों का ठंड के कारण, की कुछ मुसीबत की कुछ अपील की जा रही है, आओ थानू सुनाने सब कुछ। मेरा नाम रणधीर सिंह गोरा रंधावा जी। ठंड बहुत ज़्यादा पै रही है, जी दो चार दिन तो कोहरा पै रहा है। एक कोहरे की ठंड जी बहुत ज़्यादा ठंड है, उस कारण जोड़े साढ़े बच्चे है स्कूल जाने तो भी जोड़े है वो पहली गलते बिस्तरा नहीं छड़ते पे, और अज की ठंड करके वो बिल्कुल छुट्टी मार के है जी अज की ठंड है। बिल्कुल छुट्टियां कर देनी जी, जिनी कोहरी ठंड हैगी जी। मैं कहना भी सरकार को चाहिए स्कूलों के छुट्टियां दे देनिया चाहिए जिन्हें कोहरा आ, और कोहरे की ठंड बिल्कुल बहुत माड़ी ठंड होंगी है, जिन्ना सेफ हो उन्ना चंगा। अगे काम तो जिदा भी अपना 5:30 बजे उठ के काम अपना कर लीदा, दुध का कम सप्लाई का करीदा सी, लेकिन हुण दुध का कम की सप्लाई जी आप काफ़ी लेट कर रहे हैं, 2 घंटे लेट हो गई है। ठंड धुंद पै रही है जी, ठंड है धुंद करके अपन अगे दिखाई नहीं दे रहा, इस करके थोड़ा जहाँ सोचते भी कोहरा उतर जाए फिर चलेंगे। मेरा नाम अजीत सिंह नवीपुरी है जी, तो मैं तकरीबन रोज़ सैर कर जाना वा। हुण दे 2-3 दिन तो पता लग रहा कि बहुत ज़्यादा ठंड धुंद आ गई आ, हुण तो हिम्मत नहीं कि जावे, अज भी जल्दी गया तो जल्दी मुड़ के आ गया धुंद नूं वेख के, दिल नहीं करता कि करिए सैर, उत्तों फिरदी पई आ, कपड़े भिजदे जांदे आ, ठंड ज़्यादा महसूस होंदी है, इस करके एकदम ही ठंड आ गई आ जिहड़ी आ। देखो ठंड तो जिन्ना भी आप बचा करना है, हुण जिहड़ी उपरों पै रही है धुंद उहने ते लिहाज नहीं करना, वह तो उत्तों डिगनी डिगनी है। बाकी है भी जिन्ने कपड़े आप पा सकते हैं वो पा सकते हैं, वेले सिर जाइए, लेट चल जाइए, थोड़े जे धुप चढ़ी तो चल जाइए। अगे 6:30-5 बजे निकल ही रही, जिस तरह जाग आँगी उस तरह, पर हुण नहीं हिम्मत पैंदी भी एड्डी जल्दी जाइए, हुण तो आ 7:30-7:45 ही घर उतरे हैं, फिर वेख्या भी बहुत जाने घट आए आ, इस करके उत मैं वापस मुड़ आया वा। कि जेडे मतलब कि 25% भी नहीं लोग है, बहुत ज़्यादा मुड़ा आ, नेड़े नेड़े तो भी कोई नज़र नहीं आ रहा, इस करके भी बड़ी मुश्किल बन रही है, कोई यहोजी घटना ना वापर जाए। हुण बीबिया भी जांदियां वा, वह भी परेशान ने भी वो बहुत मुश्किल आ रही है धुंद करके, नज़र नहीं आ रहा। हर साल इन्हां दिनां दे विच ठंड दा प्रकोप जारी रहिंदा है, पर इस बार जानकारी दे मुताबक लोगों नूं ये मुसीबत ज़्यादा चलनी पै सकती है, क्योंकि इस बार की ठंड ज़्यादा दसी जा रही है। खैर इस बाबत की कुछ इंतजाम किए जाएंगे ये तो आने वाला समय ही दसेगा। अमृतसर तो रघु महिंद्रू दे नाल स्काई न्यूज़ पंजाब। ताज़ा अपडेट के लिए साड़े YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, Facebook चैनल को लाइक और शेयर करो।